में अप्लाई कर दिया तो कहीं ना कहीं एक साल बाद मुझे थैंक यू बोलोगे पांच साल बाद थैंक यू बोलोगे कि बहुत अच्छा कदम उठा लिया है तीन फंड आपके सामने है, आपने चालू किया हर महीने पैसे डाले अकाउंट में आपके अकाउंट से पैसे कट गए और ऐसे फंड में आपने डाले तो देखो यार आपने जमा किया कितना अठारह लाख आपने जमा किया आपकी वैल्यू कितनी बन रही है साढ़े करोड़ बन रही है स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में देखो कहा जाता है कि जो हम लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो हम सब आप जैसे लोग हैं हम सबसे ज्यादा डरते हैं ना रिस्क लेने से और इसी बात पे बहुत सारे लोग ना कमेंट में कहते हैं कि साहब बात तो सही है और इसे बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं लिटरली फट्टू होते हैं यार बुरा लगा होगा सुन के लेकिन ये सच्चाई है जानेंगे इस वीडियो में कि हमारे मिडिल क्लास की क्या मेंटेलिटी होती है और उसी बेस पे मैंने आज की वीडियो बनाया है क्योंकि मैंने फाइनली सोचा कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जितने वीडियोस देख रहे हैं आप म्यूचुअल फंड में हो सकता है नए आए हो लेकिन नए आने के बावजूद भी आप रिस्क ले नहीं सकते आपको रिस्क लेने से डरता है डर लगता है बेसिकली क्योंकि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई, कोई पैसे डाले हैं हो सकता है कुछ लोग सहारा जैसी स्कीम में पैसे डाले वहां उनको पैसे नहीं मिले कोई चिटफिट कंपनी में पैसे डाले वहां उनको पैसे नहीं मिले कोई स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में अनजाने में पैसा लगाया है, किसी को दिया उनको पैसे वापस नहीं मिले तो ये सारी कहानियां होती हैं और प्लीज कमेंट में मेंशन करना कि किन लोगों के साथ ये घटनाएं घट चुकी हैं ऐसे लोग ना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट शेयर मार्केट तो बहुत दूर की बात है क्योंकि रिसेंटली कुछ कमेंट मेरे पास आए मैडम का कहना था कि सर मेरे जो हस्बैंड है वो यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख के उनको यकीन नहीं होता तो ऐसे में देखो इंसान खुद नहीं सोचता कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ घटनाएं जुड़ी होती हैं इसके बावजूद वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो आज की वीडियो में थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर रहेगा और ऐसे सेफ और बिना रिस्क वाले म्यूचुअल फंड आपको बताने वाला हूं जहां आप पांच हजार के एस करना चालू कर सकते हो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है निपॉन नहीं बोलूंगा तो, क्योंकि निपोन लोग थोड़ा सा रिस्की फंड मानते हैं तो ऐसे फंड बोलूंगा जो थोड़ा सा सिक्योर है रिटर्न भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है लॉन्ग टर्म में तो पांच हजार के साईपी के लिए फंड बताने वाला हूं और सभी जितने भी हमारे एज ग्रुप है ना 20 से लेकर 40 तक सबकी मेंटेलिटी क्या होती है वो डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में आपका एक क्वेश्चन लेने वाले हैं बहुत ही धासु क्वेश्चन है और वो पोर्टफोलियो देख के शायद आप डर जाओ तो साहब का रिक्वेस्ट कल से आ रहा था मैंने कहा उनका क्वेश्चन लिया जाए स्वागत करता हूं दोबारा आज की वीडियो में प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और यस चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना शुरुआत करते हैं देखो वीडियो में मिडिल क्लास का जो माइंड होता है सर आपके सामने बड़ा मजा आएगा पढ़ने में देखो जो मिडिल क्लास का जो माइंडसेट होता है आपके सामने देखो क्या क्या लिखा हुआ है हमारी जो एज 20 से 25 हो सकती है उसमें हमारी मेंटेलिटी होती है कि हम रिस्क ले सकते हैं बहुत सारे से वीडियो देख रहे हैं हैं रिस्क ले सकते हैं, लेकिन साहब पैसे नहीं बच पाते क्या कर ले सैलरी आती है कुछ भी उनको मिलता है पैसे तो भाई दोस्तों यारों के साथ पैसे भी तो निकालना है पैसे खेलना है बहुत सारे शौक पूरा करना है और शौक सार जैसे सैलरी आती है अगले महीने शॉप पूरे हो जाते हैं तुरंत हो जाते हैं सैलरी को तो कभी कभी लोग पहले से पता रखते हैं किसी से उधार वगैरह लेके काम चलवाते हैं तो भाई साहब बीस से पच्चीस साल वाले ऐसे होते हैं इसीलिए ये मैक्सिमम टाइम बहुत कम होते हैं बहुत ही लकी लोग हो जो लोग 20 से 25 से आपने कुछ पैसे बचाना चालू कर दी बहुत लकी हो लिटरेली बहुत लकी हो क्योंकि तो 20 से 25 किसी को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है उनको कुछ भी नहीं पता होता लिटरली उनके साथ क्या चल रहा है रिस्क ले सकते हैं लेकिन पैसे नहीं बचा पाते साहब पच्चीस से तीस साल वाले वीडियो देख रहे आप ध्यान देना आप रिस्क ले सकते हो बट डरते हो रिस्क ले सकता हूं बट डरता हूं पैसा कमा लेता हूं लेकिन बचा भी लेता हूं लेकिन तभी भी डरता हूं क्योंकि कहीं कही ना कहीं उनको लगता है कि साहब अगर मैं इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे पैसे डूब सकते हैं और 30 से 35 साल वाले रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते यहां देखो तीस से पैंतीस साल वाले ऐसी कंडीशन हो जाती है शादी वगैरह हो जाती है बच्चे हो जाते हैं और और उनको डर लगने लगता है थोड़ा इनसिक्योरिटी और हो जाती है कि साहब अब क्या करें अब तो खर्च और आ गया अगर कहीं पैसे और डाल दिए पैसा डूब उब गया या कुछ हो गया तो क्या करूंगा कौन जिम्मेदार रहूंगा राइट तो ये क्या करते हैं ना तीस से पैंतीस वाले रिस्क भी नहीं लेना चाहते लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग का ढक्कन ऐसा खुला रहता है दूसरों के संपत्ति देख के प्रॉपर्टी देख के घर देख के गाड़ियां देख के कि भाई सर मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए बीबी से डिस्कस करते हैं बैठ के रात को नहीं नहीं सुन रहे हो अपन ऐसा करेंगे ए, मन तो है बहुत करने का लेकिन हिम्मत कहां से आए तो ये जो कैटेगरी है ना सर पच्चीस से लेकर पैंतीस तक सर ये कह सकते हैं कि जबरदस्त कैटेगरी है ये कैटेगरी में लोग बचाना कुछ लोग चाहते हैं बचा भी पाते हैं इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि डर लगता है कि भाई साहब फ्रॉड हो रहे हैं कोई एप्लीकेशन ओप्लीकेशन है पैसे डाल दिए घर घर चले गए पैसे तो यह भी डर लगा रहता है तो इन चीजों देखो रिस्क लेकिन उम्मीद रहती है कि भाई साहब अच्छा पैसा बनेगा और पैंतीस से चालीस वाले अलग ही होते हैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते और चाहते हैं सर दस से बारह परसेंट मुझे दे दो कोई इंडेक्स फंड ही बता दो मुझे कोई टेंशन नहीं एफ डी में भी खुश रहते हैं अगर इस कैटेगरी में आप नहीं हो तो सच बताऊं आप बहुत लकी हो लिटरली आप बहुत लकी हो क्योंकि आप कही न कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए होगे ये यह बताना मुझे इसलिए जरूरी था क्योंकि आप लोग इससे ना कोरलेट कर लेते कि मेरी भी कंडीशन ऐसी है अब आज के वीडियो में देखो कि 25 से 35 साल वालों के लिए जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और सबसे सेफ फंड में खेलना चाहते हैं देखो आपको वीडियो बता रहा फाइव थाउजेंड तो की एस का प्लान करने वाले हैं हम लोग और फाइव थाउजेंड पी मैंने लिखा है कि सर लो रिस्क हाई रिटर्न कोई सपने नहीं दिखाने वाला मैं आपको यहां कि बहुत करोड़पति बन जाओगे लेकिन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आप उस रोड में ना चलना स्टार्ट कर दोगे लिटरली मुझे पैसे बचाना चालू हो गया मेरे कोई सपने आ नहीं रहेंगे सर कि आप दो करोड़ दस करोड़ लोगे लेकिन एक चीज जरूर है कि इस वीडियो की खत्म होते होते अगर आपने ध्यान से इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया और लाइफ में अप्लाई कर दिया तो कहीं ना कहीं एक साल बाद मुझे थैंक यू बोलोगे पांच साल बाद थैंक यू बोलोगे कि बहुत अच्छा कदम उठा लिया है तीन फंड आपके सामने है एसबीआई स्मॉल कैप को मैं लूंगा क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड को लूंगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को लूंगा ये तीन फंड ऐसे हैं सर इसमें आपको अच्छा कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना बता दूं क्योंकि देखो एसआईपी में पी चाहूंगा कि ऐसी एज वाले सर कम से कम पांच हजार महीना चालू कर दो ज्यादा नहीं बोलूंगा पांच हजार महीना चालू कर दो क्योंकि आप सोचोगे कि अगर पांच महीना चालू करते हो ना सोचो तो एक टारगेट मैं नहीं बोलूंगा दूर तक कि अब कितना मिल जाएगा क्योंकि महंगाई भी पांच से छह परसेंट महंगाई भी होती है मैं तो यही कहूंगा कि सर कि केवल पांच हजार अब पांच हजार आप चालू कर देते हो ज्यादा से ज्यादा पंद्रह परसेंट रिटर्न लूंगा ये सारे फंड आपको दे दे रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लॉन्ग टर्म में एस इतनी दे देती है तो जितने ज्ञान बहुत सारे लोग देते हैं ना कि नहीं हो पाता तो भाई करके देखो तो। तो आप सर तो आपके पास साढ़े तीन करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है ठीक है ना साढ़े तीन रुपए आपके पास साढ़े तीन करोड़ इकट्ठा हो जाता है आपने पांच हजार केस आई चालू की पंद्रह परसेंट देखो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया आपके सामने है। सालों तक इन्वेस्ट तो करोगे ना रिटायरमेंट तक तो इन्वेस्ट करोगे ना क्योंकि एक बार आदमी शुरू कर देता है तो छोड़ता नहीं है अब पांच के सोचो केवल कितनी? केवल कितनी आपने चालू किया हर महीने पैसे डाले अकाउंट में आपके अकाउंट से पैसे कट गए और ऐसे फंड में आपने डाले तो देखो यार आपने जमा किया कितना अठारह लाख आपने जमा किया आपकी वैल्यू कितनी बन रही है साढ़े करोड़ बन रही है चलो ठीक है कुछ लोग बोलेंगे सर इन्फ्लेशन तो है मानता हूं इन्फ्लेशन है तीस साल बाद इन्फ्लेशन है साढ़े तीन करोड़ आपने किया होगा अस्सी नब्बे लाख तो मिलेगा उस समय इतना तो मानते हो ना अस्सी नब्बे लाख रुपए मिलेगा इतना मिल गया तो कम से कम एक बात बताओ केवल आप जिंदगी भर पांच हजार ही चालू रखोगे क्या नहीं ना आपको अगर दिखेगा आपको कि साहब मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है बीस पच्चीस परसेंट रिटर्न मिल गया पंद्रह परसेंट रिटर्न मिल गया मार्केट अच्छा है शानदार रिटर्न मिल गया आप तो और कंटिन्यू करोगे पांच हजार नहीं आप दस हजार कर दोगे मुझे विश्वास है लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब मेरा बस ये वीडियो आज की बनाने का है कि आपके अंदर से वो डर खत्म करने का रिस्क जो आप बोलते हो ना रिस्क नहीं लेने का मत लो मैं बिल्कुल नहीं कहता रिस्क लेने के लिए लेकिन जब बिना रिस्क लेते हुए आप इन्वेस्ट करते हो अच्छा पैसा बना सकते हो तो थोड़ा रिस्क लेने में कोई दि, दिक्कत वाली बात नहीं है अब देखो कितना इन्वेस्टमेंट करोगे कि ये इंपॉर्टेंट इस पर आपको बताने वाला हूं जब आप तीनों फंड लोगे तो सर सबसे पहले एस में आपको दो हजार रुपए डालना होगा एस दूसरा आपका दो डालना होगा किसमें क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में ठीक है ना और तीसरा आपका कर सकते हो आप हजार रुपए पराग परिक फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो ठीक है ये बस कैटेगरी बाकी कुछ नहीं करना पांच हजार आपका कंप्लीट हो गया कुछ नहीं हजार हजार रुपए लेके दुनिया भर के एस नहीं ले लेना है कि पता चला आपने पच्चीस तीस हजार रुपए की अलग अलग ले ली वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने बहुत सारे फंड में अलग बात है लेकिन पता चला पंद्रह बीस फंड आपने ले लिए हो और सब में हजार दो हजार तभी मैं पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं साहब का पोर्टफोलियो चेक करना आप लोग ये क्लियर हुआ आई थिंक चलो ये क्लियर हो गया अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं साहब इनका क्वेश्चन आप देखो और ये क्वेश्चन है हमारे पंकज अरोरा साहब का तीस हजार के एस कर रहे हैं मुझे लगता है कि स्क्रीन देख के लोग डर गए होंगे कि पंकज भाई ये क्या कर लिया आपने इतने सारे फंड लिया है ये जो वाइट वाले हैं ना जो वाइट से लिखा है ये क्वांट स्मॉल निपॉन एच डी एफ सी एक्सिस क्वांट मिड एस बी आई लॉन्ग टर्म इक्विटी ब्लू ये जो व्हाइट कलर से है ना उनके साथ उनके फंड है अब देख लो टोटल थर्टी थाउजेंड के एस वो कर रहे हैं तो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह फंड लेने की साफ जरूरत नहीं थी आपको यहां पास सबसे पहले आपको कुछ फंड चेंज करना होगा जो मैंने आपको चेंज करवाया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर आपका क्वेश्चन लिया मैंने पंकज अरोरा साहब आपका क्वेश्चन है देखो आपने क्वांट स्मॉल कैप निपॉन में एच में एक्सिस में एक्सिस के जगह पे आप कैनाना रोबो को ले सकते हो आप चाहो तो नहीं तो कंटिन्यू करना 1000 ये स्मॉल कैप आपका बढ़िया है कंटिन्यू करने देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लॉन्ग टर्म में ठीक है ना क्योंकि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो थर्टी थाउजेंड पर मंथ लॉन्ग टर्म कम से कम आप इसको फिफ्टीन इयर्स तक चलाना कम से कम पंद्रह साल तक अब आपने मिड कैप लिया है क्वांट मिड कैप दो हजार डाला है एस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में आपने जो डाला है इसको सर हटाना पड़ेगा आपको और इसके जगह पे मैं आपको बताऊंगा क्या ले सकते हो एसबीआई ब्लू चिप आपने लिया है बहुत अच्छा सर एस बी आई आपको हटाना पड़ेगा एस बी आई हटाना पड़ेगा ठीक है ना और

आपका जो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी वाला ये है ठीक है आपने देखा ये एस बी आई लॉन्ग टर्म इक्विटी एसबीआई क्वांट्रा अपॉर्चुनिटी तीनों का मिला के जो पांच हजार है बेटर है आप वो आपको यहां इन्वेस्ट कर देना है ठीक है मैं यहां से काट रहा हूं इसको ठीक है टू थाउजेंड ये टू थाउजेंड क्वांट्रा एसबीआई क्योंकि तीनों आपने एस बी आई का रखा है केवल एस बी आई ब्लू चिप रखो थोड़ा सा हम आपके फंड को थोड़ा सा पोर्टफोलियो को हम डाइवर्सिफाई रखेंगे तो टोटल ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये वाला ये वाला ये वाला तीनों जो मैंने काटा है ना इन तीनों के जगह पे आप ये मेरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हो यह कर लो ठीक है अब दूसरा मैंने क्या बताया एच डी लार्ज वाले को आपको शिफ्ट कर देना है यहां पास और एच डी एफ सी मिड कैप में फोर थाउजेंड आपको डाल देना है बाकी जैसा है वैसे रहने देना लेकिन अरोरा साहब इतने बड़े पोर्टफोलियो इतना बड़ा फंड्स नहीं लेना चाहिए बेसिकली थर्टी थाउजेंड आप कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा छह सात फंड आठ फंड ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन

बेसिकली जो लोग रिस्क नहीं ले सकते उनके लिए वीडियोस थी एंड आई होप वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आएगी तो दोस्तों शेयर करो लाइक करो वीडियो के चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको ऐसा म्यूचुअल फंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आपको सबसे बेहतरीन तरीके से मिलेगी राइट बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय बाय टेक केयर जय हिंद